फ्रेंड्स नमस्ते, वेलकम टू नुईटेक फैमिली। मैं तीर्थ, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं शीट मेटल रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर। आप क्वालिटी में हो, प्रोडक्शन में हो कि डिजाइनिंग में आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है शीट मेटल में, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं इसी तरह 20 क्वेश्चन एंड आंसर बोलने वाला हूँ कि जो आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं उधर पूछा जाता है। शीट मेटल बहुत सारे इंडस्ट्रियल डोमेन में यूज किया जाता है, जैसे होम अप्लायंसेस हो, ऑटोमोटिव हो, स्ट्रक्चरल हेवी इंजीनियरिंग हो कि एरोस्पेस हो, जिधर भी आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं ये शीट मेटल का जो मैं 20 आज क्वेश्चन आंसर बोलने वाला हूँ वो पूछा जाता है। आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल प्रेस कीजिए। मैं इसी तरह कुछ भी टेक्निकल वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन जाता है और आप लोग इजीली मेरा वीडियो देख सकते हैं। मेरा ये वीडियो आप पूरा एंडिंग तक देखिए। ये वीडियो में मैं शीट मेटल का जितने भी 20 क्वेश्चन है उसका प्रॉपर आंसर बताया है। आप ये वीडियो देखने के बाद आप शीट मेटल रिलेटेड जो भी इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे उधर इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। मैं इसी तरह मेरा टेक्निकल डिटेल्स मेरा इंस्टा आईडी पे भी अपलोड करता रहता हूँ, आप मुझे उधर फॉलो करके भी वो सारे डिटेल देख सकते हैं। मेरा इंस्टा आईडी है तीर्थन नुईटेक। ये वीडियो मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको एंडिंग तक देखने के लिए, मैं सारे पॉइंट्स क्लियर भी करने वाला हूँ और वैसे कुछ टिप्स भी देने वाला हूँ जो कि आपको इंटरव्यू क्रैक करने के लिए और भी हेल्पफुल होता है, जैसे होल्डिंग रिलेटेड हो कि GD&T रिलेटेड हो, वो पॉइंट मैंने एंडिंग में क्लियर किया है। चलिए अभी डिस्कस करते हैं वो 20 क्वेश्चन एंड आंसर शीट मेटल रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय शीट मेटल, शीट मेटल क्या रहता है। शीट मेटल इज मेटल फॉर्म बाय एन इंडस्ट्रियल प्रोसेस इनटू थिन फ्लैट पीस। शीट मेटल इज वन ऑफ द फंडामेंटल फॉर्म्स यूज इन द मेटल वर्किंग एंड इट कैन बी कट एंड बेंड इनटू वैरायटी ऑफ शेप। सेकेंड क्वेश्चन जो है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ग्रेन डायरेक्शन इन शीट मेटल बेंडिंग, शीट मेटल बेंडिंग के टाइम ग्रेन में कौन सा डायरेक्शन में इफेक्ट आता है, उसका रिलेटेड ये क्वेश्चन है। व्हेन शीट मेटल इज मैन्युफैक्चर्ड विद कोल्ड रोलिंग प्रोसेस ग्रेन स्ट्रक्चर ऑफ शीट मेटल इज अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ रोलिंग। फॉर द सॉफ्टर मटेरियल्स इफ बेंडिंग इज वन डन इन रोलिंग डायरेक्शन इट विल रिजल्ट इन क्रैक्स। इट इज ऑलवेज प्रिफर्ड टू डू बेंडिंग इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू रोलिंग डायरेक्शन। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोल्ड रोलिंग एंड हॉट रोलिंग प्रोसेस। हॉट रोलिंग प्रोसेस इट इज द प्रोसेस ऑफ रोलिंग विच कैरिड आउट अबव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, इम्प्रूव डक्टिलिटी, सरफेस फिनिश एंड एक्यूरेसी इज लेस। कोल्ड रोलिंग प्रोसेस क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ रोलिंग विच कैरिड आउट बिलो द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, रिड्यूसेस डक्टिलिटी, सरफेस फिनिश एंड एक्यूरेसी इज मोर। फोर्थ क्वेश्चन है हाउ इज शीट मेटल कंपोनेंट्स फॉर्म्ड, शीट मेटल के कंपोनेंट कैसे फॉर्म होता है। शीट मेटल कंपोनेंट्स आर जनरली मेटल फॉर्म थ्रू वेरियस फॉर्मिंग प्रोसेसेस मेजरली इन्वॉल्विंग बेंडिंग, डीप ड्रॉइंग, रोल फॉर्मिंग, स्टैम्पिंग, पंचिंग, पियर्सिंग इटीसी। द शीट मेटल्स आर इनिशियली रिसीव्ड एज रोल्स एंड कट इनटू प्लेन ब्लैंकेट्स एंड देन फॉर्म इनटू डिजायर्ड शेप यूजिंग अबव मेंशन्ड प्रोसेस मेनली बेंडिंग एंड स्टैम्पिंग। फिफ्थ क्वेश्चन जो है डिफाइन स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस। स्ट्रेंथ इज द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज दैट एनेबल द मेटल टू रेजिस्ट डिफॉर्मेशन लोड्स। स्टिफनेस क्या है, स्टिफनेस इज द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन एंड डिफ्लेक्शन। सिक्स्थ क्वेश्चन है व्हाट आर सम कॉमन रेनफोर्स टेक्निक्स यूज टू इम्प्रूव द स्ट्रेंथ ऑफ द शीट मेटल पार्ट्स। जो टेक्निक्स है मैं बता रहा हूँ, बेंडिंग है जो कि नॉर्मल बेंड हो, हेम बेंड हो, फॉर्मिंग टूल्स शीट मेटल रिब, लोवर, लांच एंड टैप। देन सेवेंथ क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम फ्लेंज लेंथ इन शीट मेटल बेंड। मिनिमम फ्लेंज लेंथ इक्वल टू 4 इन टी, टी मीन्स शीट मेटल थिकनेस, प्लस आर, आर मीन्स इनसाइड बेंड रेडियस। एट्थ क्वेश्चन है व्हाट आर ऑल सरफेस फिनिश प्रोसेस यूज्ड फॉर शीट मेटल फैब्रिकेशन। जो पाउडर कोटिंग रहता है वो मेन शीट मेटल की कोटिंग रहता है, हर जगह वो यूज होता है मैक्सिममली। पावर कोटिंग इज ए कॉमनली यूज्ड सरफेस फिनिशिंग टेक्निक, इट इज टाइप ऑफ कोटिंग दैट इज अप्लाइड एज ए फ्री फ्लोइंग ड्राई पाउडर। नेक्स्ट नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द के फैक्टर इन शीट मेटल। आप जहां पे भी शीट मेटल के लिए इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे ये क्वेश्चन पूछा जाता ही पूछा जाता है, ये एक कॉमन क्वेश्चन है। हर जगह शीट मेटल रिलेटेड कहीं पे भी आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। के फैक्टर इज ए कॉन्स्टेंट टू कैलकुलेट द शीट मेटल फ्लैट लेंथ। द वैल्यू ऑफ द के फैक्टर डिपेंड ऑन द मेटेरियल, बेंड रेडियस, शीट थिकनेस एंड मशीन्स यूज्ड।
Mathematically, K factor is a ratio of the position of the neutral axis and sheet thickness. The value of the K factor is always less than 0.5. Then next question is, 10th number ka question kya hai? What is the Y factor in sheet metal? Y factor is similar to the K factor. It is used to calculate sheet metal parts flat length. Y is equal to K into pi divided by 2. The Y factor represents of the part constant used in the formula to calculate the unfolded length of a sheet metal part bending with a specific radius and angle in the design. The Y factor is defined by the position of the neutral bending line in relation to the thickness. Next 11 number question hai, how to calculate bend allowances? Bend allowances is the arc length of bend as measured along with neutral axis of material. BA matlab bend allowances hai, equal to A into pi divided by 100 into R plus KT. BA जो है bend allowances है, A जो है bend angle है, K जो है constant 0.5 जो mm है, R inside bend radius है, T material thickness है. Next 12th number question है, what do you mean by minimum bend radius? उसका answer क्या रहेगा? It is a radius of curvature on inside surface of the bend. If the bend radius is too small, then cracking of a material on the outer tensile surface takes place. To prevent any damage to punch and die, the bend radius should not be less than 0.8 mm. Next 13 number question hai, what are the material selection criteria in sheet metal? Material selection criteria jo sheet metal ka hai, usme kya kya aata hai? Strength jo hai wo must required hai, corrosion resistance, appearance, weight, permeability, joining process. Ye sare jo point ko aapko consider karna hai sheet metal material selection karne ke liye. Then jo next question hai, what are precision sheet metal component? Sheet metal components that are made using high precision dies with sheet of close tolerance in machines with high stability are generally called as precision sheet metal components. The precision of the component has to be decided based on the purpose that the component is going to serve. Next 15 number question hai, what is the defects in sheet metal operation? Sheet metal operation ke time kya kya defects aata hai? Kaun sa operation ya process karne ke time kaun sa defect aata hai? इसके रिलेटेड ये क्वेश्चन है. उसके आंसर क्या रहेगा? स्प्रिंग बैक कब आता है? जब हम स्टैम्पिंग करते हैं. रिंकलिंग कब आता है? जब हम स्टैम्पिंग ऑपरेशन करते हैं. क्रैक नियर द पंच, जब आप स्टैम्पिंग करते हैं, फॉर्मिंग करते हैं, बेंडिंग करते हैं, ये सारे डिफेक्ट आता है. थिनिंग, जब हम फॉर्मिंग करते हैं कि डीप ड्रॉइंग करते हैं तब ये डिफेक्ट आता है. टीयरिंग डीप ड्रॉइंग प्रोसेस में, ईयरिंग डीप ड्रॉइंग प्रोसेस में, ये जो जो मैंने ऑपरेशन बताया ये प्रोसेस में ये सारे डिफेक्ट्स दिखाई देता है. देन 16 नंबर पॉइंट है, एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ बेंड रिलीफ. व्हेन शीट मेटल मेक्स ए ट्रांजिशन फ्रॉम ए बेंड टू ए फ्लैट सरफेस और टू अनदर बेंड, इट टेंड्स टू रिप एंड टियर. टू एलिमिनेट दिस बेंड रिलीफ इज एडेड डेप्थ बेंड रिलीफ, जो है 2 इंटू थिकनेस प्लस बेंड रिलीफ से बड़ा ज्यादा होना चाहिए. विड्थ ऑफ जो बेंड रिलीफ है वो थिकनेस प्लस बेंड रेडियस से ज्यादा होना चाहिए. नेक्स्ट जो 17 नंबर के क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पंचिंग एंड ब्लैंकिंग? ये जो दो ऑपरेशन है मैक्सिमम शीट मेटल में यूज किया जाता है, इसका डिफरेंस क्या है? ब्लैंकिंग जो है इट इज द कटिंग ऑपरेशन ऑफ ए फ्लैट मेटल शीट. द आर्टिकल पंच्ड आउट इज नोन एज ब्लैंक. ब्लैंक इज द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट ऑफ द ऑपरेशन एंड द मेटल लेफ्ट बिहाइंड इज कंसिडर्ड एज ए वेस्ट. पंचिंग जो है उसका उल्टा है. पंचिंग इट इज द सिमिलर टू ब्लैंकिंग, ओनली द मेन डिफरेंस इज दैट द होल इज द डिजायर्ड प्रोडक्ट and the material punch out of from hole is considered as a waste. Then 18 number question hai, what are sheet metal product design guidelines? Kya kya guidelines aapko follow karna hai sheet metal product ki design karne ke time? Pehla jo point hai, uniform sheet thickness, jo ki range hai 0.4 to 6 mm maximum hi automotive sector mein use hota hai. Bend radius jo uska range hai 0.87 to 2t mm, t jo hai thickness of the component hai. देन दूसरा पॉइंट है कॉर्नर एंड फिलेट. कॉर्नर एंड फिलेट क्यों यूज होता है? वेट रिडक्शन, मैन्युफैक्चरेबिलिटी, सेफ्टी रिक्वायरमेंट, कॉस्ट इफेक्टिव, ये सब कॉर्नर एंड फिलेट यूज किया जाता है. देन होल्स एंड स्लॉट्स, उसका पर्पज क्या है? बोल्टिंग एंड फास्टनिंग के लिए, वेट रिडक्शन के लिए, एज पर फीचर इन असेंबली, सराउंडिंग डाटा. देन बीड यूज किया जाता है. बीड जो है इंक्रीजेस ऑफ स्टिफनेस ऑफ कंपोनेंट. देन यूज किया जाता है फ्लेंज. फ्लेंज यूज किया जाता है
यूज फॉर रेस्टिंग एंड जॉइनिंग पर्पज। रेंज जो है 40 into R, लेंथ जो है 18 to 20 mm तक रहता है। देन गसेट्स एंड बर्ड्स यूज फॉर इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंपोनेंट। कंपोनेंट की स्ट्रेंथ इंक्रीजिंग करने के लिए यह यूज किया जाता है। 19 क्वेश्चन जो है 19 नंबर का, व्हाट इज द फैक्टर फॉर फास्टर सिलेक्शन इन शीट मेटल। जॉइंट टाइप परमानेंट और टेम्पररी, प्रोडक्ट एप्लीकेशन, असेंबली प्रोसेस, मटेरियल टाइप एंड शीट थिकनेस। जो 20 नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डाई यूज इन शीट मेटल प्रोसेस। क्या क्या डाइज यूज किया जाता है शीट मेटल मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए की प्रोसेस के लिए, वो है सिंपल डाई, कंपाउंड डाई एंड प्रोग्रेसिव डाई। ये जो मैंने 20 क्वेश्चन अभी बताया, क्वेश्चन एंड आंसर, ये मैक्सिमम हर जगह पे पूछा जाता है। जहां पे आप शीट मेटल रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग, कौन सा भी शीट मेटल रिलेटेड आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, ये जो क्वेश्चन है मैक्सिमम पूछा जाता है। ये आप थोड़ा प्रॉपरली स्टडी करके जाएंगे तो आप 100% इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। मैंने जैसे आपको बताया था कि एंडिंग में मैं ऐसे कुछ टिप्स देने वाला हूँ, ये जो शीट मेटल प्रोसेस है उसमें मैक्सिमम GDNT एंड वेल्डिंग का यूज होता है, तो उसी के रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वेल्डिंग में क्या पूछा जाता है, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस, जैसे मिग वेल्डिंग हो, टी वेल्डिंग हो, गैस वेल्डिंग हो, स्पॉट वेल्डिंग है, सीम वेल्डिंग है, प्रोजेक्शन वेल्डिंग है, ये सब वेल्डिंग रिलेटेड पूछा जाता है। एंड GDNT रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द मीन बाय GDNT, व्हाट इज मीन बाय डैटम, एक्सप्लेन बेसिक GDNT एंड सिंबल, डिफाइन द टर्म बेसिक डायमेंशन एंड रेफरेंस डायमेंशन, एक्सप्लेन 3-to-1 प्रिंसिपल, डिफरेंस बिटवीन फ्लैटनेस एंड स्ट्रेटनेस, डिफरेंस बिटवीन सर्कुलरिटी एंड सिलिंड्रिसिटी, एक्सप्लेन LMC एंड MMC, व्हाट इज द यूनिलैटरल एंड बायलैटरल टॉलरेंसेस, व्हाट इज द यूज ऑफ पोजिशन सिंबल। ये जो सब मैंने क्वेश्चन जो बताया अभी, ये GDNT रिलेटेड में मैंने 2 वीडियो बनाए हैं, वो मेरे चैनल में अवेलेबल है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। वो वीडियो देखने के बाद आपको GDNT पूरा क्लियर हो जाएगा। आप कहीं पे इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो GDNT रिलेटेड आराम से उसका क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ मैंने ये जो वीडियो बनाया है आपको यूजफुल लगेगा। आप कहीं पे भी ये सारे स्टडी करके जाएंगे तो शीट मेटल रिलेटेड जो भी इंटरव्यू रहेगा आप क्रैक कर सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज आपके दोस्त लोगों के साथ शेयर कीजिए, जो कि ये वीडियो स्टडी करके वो भी इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो इंटरव्यू क्रैक कर पाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं और एक नया वीडियो के साथ, तब तक आप खुश रहिए, सेफ रहिए। बाय, टेक केयर।